everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा platform है जहाँ kindergarten से लेके class 12 तक के सभी video courses provide करवाए जाते हैं. That to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास e-books and e-notes की facility भी available है, जिसका link नीचे description box में दिया गया है. और आज हम पावर शेयरिंग चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं. आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. भाई ये चैप्टर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए, आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वेटेज है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, 20% वेटेज है भाई, जो बहुत ज़्यादा होती है अपने में ही, राइट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेल्जियम सक्सेसफुली सॉल्व्ड इट्स प्रॉब्लम बाय, बेल्जियम ने सक्सेसफुली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कैसे, ठीक है. तो अडॉप्टिंग पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी किसने ऑप्ट की थी, श्रीलंका ने की थी. किसने ऑप्ट की थी, श्रीलंका ने. तो ये ऑप्शन तो नहीं है हमारा. हमने देखा था कि श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म ऑप्ट किया था, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है. रिजेक्टिंग द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की पॉलिसी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था. रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, यस उन्होंने इस तरीके से 1970 से 1993 तक फोर टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, जब तक कि चीज़ें सही नहीं हो गई, राइट. जब तक उन्हें लगा कि पूरे तरीके से जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनके पास, जो फ्रेंच, डच और जर्मन स्पीकिंग है, सबको जो है पावर में इक्वल शेयर नहीं मिल जाता, तब तक जो है उन्होंने पूरे तरीके से चेंजेस किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. तो रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, यस उन्होंने सभी कम्युनिटीज़ के जो है इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट किया. तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता. ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर है, राइट. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1956 पास्ड इन श्रीलंका. श्रीलंका में 1956 में एक एक्ट पास किया गया था, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, ठीक है. देखो उसको जो पास किया गया था सिन्हाला के जो लीडर्स थे उनके द्वारा, तो उन्होंने क्या क्या निकाला था. सबसे पहले तो 1956 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था किसको, सिन्हाला को. 1956 में जो एक्ट पास किया गया उसमें क्या किया गया, यस सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर किया गया था, बिल्कुल सही है. बुद्धिज्म वॉज प्रोटेक्टेड, यस बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया गया था बाय द स्टेट. प्रोविंसेस ऑटोनॉमी वॉज गिवन टू तमिल्स, चलो ये इसको देखते हैं बाद में. और सिन्हालाज वर फेवर्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स, यस गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज में फेवर किया गया था किसको, सिन्हालाज को, तो ये भी सही है. तमिल ऑटोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, तमिल ने डिमांड की थी, तमिल ने क्या क्या डिमांड की थी, एक तो ये डिमांड की थी उन्होंने अपनी पार्टीज बनाई थी, एक तो उन्होंने कहा था ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए किसको, तमिल को. भाई उनको भी तो जॉब्स चाहिए ना, उनको भी जॉब्स चाहिए, उसी कंट्री में रहते, जॉब्स की डिमांड की थी, एजुकेशन की डिमांड की थी, एजुकेशन एंड जॉब्स की डिमांड की तमिल्स ने, उन्होंने भी पार्टीज जो है बनाई एजुकेशन एंड जॉब्स में डिमांड की, भाई हमें भी जॉब्स दो. और साथ में एक डिमांड की थी प्रोविंशनल ऑटोनॉमी की, भाई उनको भी उनका एक इंडिपेंडेंट एरिया दिया जाए जिसको वो गवर्न कर सके, लेकिन उनकी डिमांड को जो है माना नहीं गया था. तो प्रोविंसेस ऑटोनॉमी वॉज गिवन टू तमिल्स, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, उनके डिमांड को नहीं माना गया था. तो ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री जो है आपका वो है, रिजर्वेशन टू वीकर सेक्शन एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ, रिजर्वेशन दिया जाता है किसको, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, चलिए देखते हैं कौन सी मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है. पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कौन से तीन ऑर्गन हैं,
legislature, executive and judiciary. राइट इन तीनों ऑर्गन्स की बात हो रही है यहाँ पे. राइट तो इसमें वीकर सेक्शन का पार्ट नहीं है. पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. यस वीकर सेक्शन क्या एक सोशल ग्रुप ही है तो इसमें इसकी बात की जा रही है. नेक्स्ट है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट या ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप जैसे आपके वीकर सेक्शंस हो गए. राइट तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है. चलिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है आपका. बाय पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज बीइंग रेफर्ड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. जो हमारी पावर शेयरिंग है किस में डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में इज बीइंग रेफर्ड एज द उसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहा जाता है. राइट तो ये पूछा जा रहा है क्यों कहा जाता है वो देखते हैं. क्या ऑप्शन है हमारे पास. डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर. जो डिफरेंट ऑर्गन्स है अभी हमने देखा हमारे तीन ऑर्गन्स हैं कौन कौन से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. तीनों के पास अनलिमिटेड पावर है ऐसा भी नहीं है. ठीक है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल. वो तीनों जो ऑर्गन है कौन कौन से जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर. हम डिफरेंट ऑर्गन की बात कर रहे हैं ना. तो डिफरेंट ऑर्गन में क्या होता है कि जो तीनों है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये तीनों जो है वो सेम प्लेटफॉर्म पे. सेम प्लेटफॉर्म का मतलब है आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल. तीनों सेम लेवल पर है. ठीक है तो ये तीनों जो है सेम लेवल पर है. कोई किसी से बड़ा नहीं है भाई तीनों सेम लेवल पर है. लेकिन काम तो तीनों के नाम अलग है तो काम भी अलग है. तो तीनों के काम जो है वो डिफरेंट है. ठीक है सेम लेवल पर है बट एक्सरसाइज द पावर डिफरेंटली. सबका काम करने का तरीका जो है अलग है. एंड चेक ईच अदर और एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं. ठीक है उसके बाद है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज डिफरेंट पावर. जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्रोविंशियल और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है. डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स. जो डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है वो अनलिमिटेड पावर जो है वो एक्सरसाइज करते हैं. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. देखिए इसका जो आंसर होगा डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सेम लेवल पर है लेकिन उनकी जो मतलब ड्यूटीज है वो डिफरेंट है. जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर तीनों सेम लेवल पर कोई किसी से बड़ा नहीं और एक दूसरे को जो है टाइमली ये चेक भी करते रहते. इसीलिए इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोला जाता है. तो ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज. पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों होती है. भाई पावर शेयरिंग इसलिए डिजायरेबल होती है हमने इसके दो रीजन देखे थे. एक प्रोडेंशियल रीजन एंड एक मोरल रीजन. प्रोडेंशियल रीजन का मतलब होता है जो समझदारी से जो डिसीजन लिया जाता है. एंड प्रोडेंशियल रीजन में कहा जाता है कि पावर शेयरिंग की वजह से कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते. क्या नहीं होते कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते. कन्फ्लिक्ट्स को कम करता है ये. ठीक है पावर शेयरिंग सही तरीके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पी पावर को इस तरीके से शेयर करना कि किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट जो है वो वहाँ पे ना हो. तो एक तो कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते और इट इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसमें पावर को सही तरीके से शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. राइट अभी हम अपने ऑप्शंस देखते हैं. तो देखिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है क्योंकि
जनरेट अवेयरनेस अमंग द पीपल, ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करवाती है, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ वोटर्स, जब पावर सही तरीके से शेयर होती है तो इससे वोटर्स की परसेंटेज बढ़ती है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, अभी मैंने बताया कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, पॉजिटिविटी रहती है, राइट, पीस बना रहता है सोसाइटी में, पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन रहता है, इसी उसके चलते जो है पूरा जो मतलब सोशल ऑर्डर है वो सही तरीके से काम करता है, इंक्रीज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, तो इसकी वजह से पावर को सही तरीके से शेयर करने की वजह से रिड्यूस होती है द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, लुक एट द गिवन श्रीलंका का मैप एंड मेंशन द कलर्ड रीजन वेयर सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी लिव्ड। आपको ये मैप देखना है और आपको ये बताना है कि सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो कहाँ रहती है। तो आपको देखो कौन कौन से रीजन दिए, एक ऑरेंज दिया हुआ है, डार्क ब्राउन दिया हुआ है, ये डार्क ब्राउन है, येलो है, रेड है। अगर हम लॉजिकली भी देखें तो हमने पढ़ा था कि जो सिन्हाला है वो सबसे ज़्यादा है, 74% जो है वो सिन्हाला थे, 18% जो थे वो कौन से थे, हमारे तमिल्स। सिन्हाला 74%, तो सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी वहाँ पे रहती थी वो सिन्हाला कम्युनिटी थी, और सबसे ज़्यादा जो आपको एरिया दिख रहा है वो कौन सा एरिया है, येलो कलर रीजन, है ना, तो यहाँ पे कौन रहता है आपका, सिन्हाला कम्युनिटी, तो येलो कलर रीजन जो है वो किसको बिलोंग करता है, सिन्हाला कम्युनिटी को। तो लुक एट द गिवन श्रीलंका मैप एंड मेंशन द कलर रीजन वेयर सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी इज लिव्ड, तो सिन्हाला स्पीकिंग येलो कलर रीजन, कौन सा, येलो कलर रीजन जो है आपका वो। नेक्स्ट है लुक एट द गिवन मैप ऑफ बेल्जियम, आपको बेल्जियम का मैप दिया गया है एंड मेंशन द कलर रीजन, जो कलर रीजन है वो आपको मेंशन करना है, कौन सा, वेयर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज लिव, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ जहाँ पे रहती है, तो फ्रेंच कम्युनिटीज़ जो है ये जो रेड कलर का जो रीजन है वहाँ रहती थी, कितने परसेंट थे फ्रेंच कम्युनिटी, 40%। ठीक है, तो ये रेड कलर रीजन जो है वो किसको बिलोंग करता है, फ्रेंच कम्युनिटी को, जो फ्रेंच बोलते थे, 1% जो है वो किसको बिलोंग करता है, जर्मन स्पीकिंग। ठीक है, और यहां पे 59% किसको बिलोंग करता है, डच स्पीकिंग। तो कौन सा रीजन है जो बिलोंग करता है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को करता है रेड कलर रीजन, राइट, तो ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम इसको देखेंगे, ब्रुसेल्स कैपिटल, ये देखिए ये जो है ये क्या है, ब्रुसेल है जो कि हमारे बेल्जियम की कैपिटल है, उसके बाद वॉलिनिया रीजन, ये बुक में गलत लिखा हुआ है, आप इस तरीके से ठीक करेंगे, ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग कहाँ रहते हैं, इस रीजन में रहते हैं जो कि वॉलिनिया रीजन है आपका, अभी हमने देखा भी फ्रेंच स्पीकिंग कितना परसेंट, 40%, वहीं फ्लेमिश रीजन जहाँ पे कौन रहते हैं, डच स्पीकिंग, तो ये जो येलो रीजन है आपका, राइट, ये किसको बिलोंग करता है, डच स्पीकिंग को, और इस रीजन का नाम है फ्लेमिश रीजन, कितने परसेंट, 59%, और 1% हमारा जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज जो है वो है, राइट, तो इस तरीके से आपका मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लुक एट द अबव बिल्डिंग एंड नेम इट, कौन से बिल्डिंग है भाई, ये यूरोपियन यूनियन है या इंडियन पार्लियामेंट है या आपका श्रीलंका का पार्लियामेंट है, नन ऑफ द अबव, ये हमारा इंडियन पार्लियामेंट है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट की एक न्यू बिल्डिंग भी बनी है, राइट, तो ये जो बिल्डिंग है वो क्या है, हमारा इंडियन पार्लियामेंट, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है स्टडी द गिवन इमेज, इस इमेज को देखिए, ठीक है। गिवन इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज द अबव कार्टून, इस कार्टून के लिए कौन सी जो है बेस्ट इमेज है। प्रॉब्लम ऑफ टू पार्टी सिस्टम का इसमें प्रॉब्लम बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, अ कार विद टू स्टेयरिंग्स है, ठीक है, ओके। प्रॉब्लम्स ऑफ अ कोलेशन गवर्नमेंट जो होती है, जब किसी भी कंट्री में एक पार्टी जब सरकार नहीं बना पाती है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलके जब गवर्नमेंट बनाती है उसको बोलते हैं कोलेशन गवर्नमेंट, राइट। तो प्रॉब्लम ऑफ कोलेशन गवर्नमेंट या नन ऑफ द अबव, तो इसमें दो स्टेयरिंग व्हील्स है। अब दो स्टेयरिंग व्हील्स मान लीजिए आप चला रहे हो और मैं चला रही हूँ साथ में बैठ के, तो एक कहेगा इधर जाना, एक कहेगा इधर जाना, तो इस तरीके से तो वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से कोलेशन गवर्नमेंट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इस एग्जांपल से आपको दिखाया गया प्रॉब्लम्स ऑफ अ कोलेशन गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, स्टडी द गिवन कैरिकेचर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज दिस कार्टून, कौन सा जो है इसको बेस्ट सिग्निफाई कर रहा है। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, देखिए पावर जो होती है कभी कभी कुछ ही लोगों के हाथ में जो है वो रह जाती है, वो शो कर रहा है। डेमोक्रेसी इज लाइक अ हॉर्स कार्ट, डेमोक्रेसी एक हॉर्स कार्ट की तरह है, नहीं। पुतिन एंड बुश आर गुड फ्रेंड्स, ये दिखाया गया है, या नन ऑफ द अबव, तो इसमें दिखाया गया कि पावर जो है कुछ ही लोगों के हाथ में रहती है, तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो इन द लिस्ट, तो हमें करेक्ट आंसर जो है वो चूज करने हैं। लिस्ट 1 क्या कहती है, यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन बताए हुए हैं कहाँ का, एक तो आपका श्रीलंका का और बेल्जियम का, ठीक है, हमें मैच करना है। डच स्पीकिंग पीपल जो है इन फ्लेमिश रीजन, डच स्पीकिंग पीपल जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, कितने परसेंट है, 59% है। सिमिलरली हम देखें फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है वॉलिनिया रीजन में रहते हैं, कितने परसेंट है आपके, वो हैं हमारे 40%। उसके बाद सिन्हाला स्पीकर्स इन श्रीलंका, श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें कितने परसेंट थे, 74% जो है हमारे सिन्हाला स्पीकर्स हैं, कहाँ पे, श्रीलंका में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें श्रीलंका में ही जो हमारे तमिल्स थे वो कितने परसेंट थे, 18%, और वो 18% में से भी 13% जो है श्रीलंकन तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स कितने परसेंट है, 13%, और 5% जो है इंडियन तमिल्स। तो इस तरीके से ये डिवीजन है, राइट। तो हम देखें तमिल स्पीकर कितने हैं, 18%, बी सिन्हाला स्पीकर कितने हैं, 74%, डी। तो हम यहीं से देख लेते हैं तमिल स्पीकर्स, बी फोर्थ का बी, सभी फोर्थ का बी है। उसके बाद सिन्हाला इन 74%, थर्ड का डी, दो में थर्ड का डी है, शुरू से ही चलना पड़ेगा। डच स्पीकिंग इन द फ्लेमिश रीजन कितने, 59%, तो फर्स्ट का सी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगेन हमें जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनकी डेफिनेशंस है। लिस्ट 2 में फर्स्ट वर्ड है आपका एथनिक। एथनिक क्या होता है, एथनिक का मतलब होता है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। वो शेयर्ड कल्चर क्या होता है, लैंग्वेज हो सकते हैं, कस्टम्स हो सकते हैं, जैसे बिलीफ सिस्टम जो होता है वो शेयर्ड कल्चर होते हैं। तो एथनिक का मतलब होता है अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, तो फर्स्ट का है आपका डी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें
मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है एक बिलीफ सिस्टम कि सिर्फ जो मेजोरिटी में है वही रूल करेगा, एक बिलीफ उसमें जो माइनॉरिटी है उनके विशेष को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, जो कि किसने किया था, श्रीलंका के केस में हुआ था। हम देख रहे हैं मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म होता है बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी बी एबल टू रूल अ कंट्री, ये विश्वास कि सिर्फ जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो ही कंट्री को रूल करेगी। तो सेकंड का सी। चलिए अब आता है सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, एक वॉयलेंट कंफ्लिक्ट जो होता है कंट्री के अपने ही लोगों, जब एक कंट्री के अपोजिट ग्रुप्स आपस में ही लड़ते हैं तो वो क्या होता है आपका सिविल वॉर। तो थर्ड का बी। ओके, यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम जो होता है जब पावर जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, अ सिंगल एंटिटी, एक ही एंटिटी होती है जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इज द सुप्रीम अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है। तो फोर्थ का ए। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट का आपका है डी, फर्स्ट का डी, सब दो जगह फर्स्ट का डी है, उसके बाद जो है मेजॉरिटी, सेकंड का सी, सेकंड का सी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगेन आपको एक लिस्ट दिया मैच वन, लिस्ट वन को लिस्ट टू से आपने मैच करना है। फर्स्ट आपको कह रहा है पावर शेयरिंग क्या होती है उसके बारे में बताना है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। तो यहाँ से देखते हैं, पहले पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इसको क्या बोलते हैं, पावर जब है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे शेयर की जाती है तो वो तो आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कैसे, एक आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो पूरी कंट्री को चला रही है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जैसे आपको ठीक लगे। ओके, उसके बाद जो है आपके पास एक क्या है स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट लेवल पे वर्क कर रही है, और उसके भी नीचे हमारे पास एक थर्ड लेवल भी है गवर्नमेंट का जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, राइट। तो इस तरीके से अब सबकी पावर जो है ऐसे, इनके पास तो बहुत ज्यादा पावर होगी क्योंकि पूरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरी कंट्री की देखरेख कर रही है, फिर एक स्टेट लेवल पे जो काम कर रही है वो स्टेट गवर्नमेंट, एंड फिर हमारे पास है लोकल गवर्नमेंट जिसमें हमारा पंचायत एंड म्यूनसिपल कमेटीज और सॉरी कॉरपोरेशन जो होती है वो आ जाती है, राइट। तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉरी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, क्योंकि पावर जो है डिफरेंट लेवल्स में आपके डिवाइडेड है, तो यह है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब आते हैं रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट जो है कम होती है किसकी वजह से, भाई पावर शेयरिंग की वजह से, ये पूरा चैप्टर ही इस बात पे था, ठीक है, कि पावर शेयरिंग अगर सही तरीके से तो क्या होगा, रिड्यूस होगी पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, तो पावर शेयरिंग, राइट। अब एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में जो है आपका रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गया, या फिर आपका वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हो गया, ठीक है, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हमारे कौन से होते हैं, तीन ऑर्गन्स हैं हमारे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसमें पावर जो है वो जो है एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, चेक एंड बैलेंस मतलब नन ऑफ द ऑर्गन जो है उसके पास बहुत अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती है, वो एक दूसरे को जो है चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम, इसीलिए इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। तो ये आपके ऑप्शंस है। तो अगर हम लोग देखें पावर शेयरिंग, फर्स्ट का बी दो जगहों पे है हमारे पास, सेकंड का डी, फर्स्ट का बी एंड सेकंड का डी भी है हमारे पास, उसके साथ है हमारे पास थर्ड का ए भी हमारे पास बहुत सारी जगहों पे है। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहा है, फोर्थ का सी, यहाँ पर फोर्थ का सी।
तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा. मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो इन द लिस्ट. तो आपको मैच करना है. अगेन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितनी बार अमेंड किया गया, कितनी बार उसमें चेंजेस किए गए. 1970 से 1993 तक 4 टाइम्स उसमें चेंज किए गए. तो कब कब किए गए? बिटवीन 1970 से 1993 के बीच में जो है बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया. श्रीलंका एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, श्रीलंका एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, भाई हम 1947 में इंडिपेंडेंस हुए थे, 1948 में. ओके, तो श्रीलंका इंडिपेंडेंट 1948. सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर की गई थी? एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था वहां पर 1956 में. कब? 1956. और डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ था पावर का? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेंटर, और ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सेंटर और स्टेट से लेकर कुछ पावर जो है लोकल गवर्नमेंट को दे देना, वो होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन. और अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे. तो डिसेंट्रलाइजेशन जो इंडिया में हुआ था वो 1992 में हुआ था, जब सेंटर और स्टेट से लेके कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, वो होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, और वो हुआ था 1992 में. तो फर्स्ट का भी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक लिस्ट है हमारे पास, उसके बेसिस पे मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो इन द लिस्ट. तो आपको करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है. तो पहले देखते हैं कौन कौन से वर्ड दिए हुए. फेडरलिज्म दिया गया है, कोलेशन गवर्नमेंट दिया गया है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, एंड अगेन डिसेंट्रलाइजेशन जो है आपको दिया गया है. तो अगर हम लोग देखें, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप क्या होगा आपका? तो ये होगा आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट. व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट. मैंने अभी बताया, जब पावर को सेंट्रल और स्टेट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. और ये इंडिया में हुआ था 1992 में. उसके बाद डैश इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री. तो ये होता है आपका फेडरलिज्म. क्या होता है फेडरलिज्म? जिसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं, राइट. जिसमें जो पावर, जैसे सेंटर हो गया, फिर आपका स्टेट हो गया, और लोकल गवर्नमेंट, राइट. तो वो होता है पावर शेयर बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज. पावर को जब शेयर किया जाता है दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? कोलेशन गवर्नमेंट. जब क्या होता है कि एक कोई सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं आ पाती और सरकार नहीं बना पाती है, तो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलके जो है गवर्नमेंट बना लेती है, सरकार बना लेती है, उसको हम बोलते हैं कोलेशन गवर्नमेंट. तो फर्स्ट का सी आंसर है आपका, फर्स्ट का सी सबका ही है. सेकेंड का आंसर डी है, फर्स्ट का सी सेकेंड का डी, दो जगह है हमारे पास. उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट ए. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है, राइट. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हम. डैश वो स्टार्टेड इन श्रीलंका ड्यू टू द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज. दो कम्युनिटीज के बीच में जब डिस्ट्रस्ट मीन्स अविश्वास जो है वहां पे फैल गया था, दोनों जो कम्युनिटीज एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रही थी, तो जो सिचुएशन थी वो क्या थी? जब दो अपोजिट ग्रुप वहाँ पे लड़ रहे थे एक ही विद इन अ कंट्री, तो वो क्या सिचुएशन थी वहाँ पे? सिविल वॉर. और ये कहाँ हुआ? हमारे श्रीलंका में ये सिचुएशन हुई थी, जब मेजॉरिटेरियनिज्म ऑप्ट किया गया वहाँ की सरकार के द्वारा, और सारी जो बातें हैं, डिमांड्स हैं, किसकी मानी गई? जो मेजॉरिटी में थे सिन्हाला, उनकी मानी गई. जैसे 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, जितनी भी जॉब्स थी, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन वगैरह सब किसके लिए की गई?
सिन्हाला के लिए की गई, फिर बुद्धिज्म को जो है आगे प्रमोट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में भी, तो इस तरीके से सारी चीज़ें उनके डिमांड में थी। तो क्या हुआ कि वहाँ के जो श्रीलंका वाले थे उनको अपनी कंट्री में ऐसे फील होने लगा कि उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसके चलते उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो फॉर्म करना शुरू की। जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म करना शुरू की वहाँ पर, उन्होंने भी तो कुछ डिमांड रखी, तो उनके डिमांड्स क्या थी, एक रीजनल ऑटोनॉमी उनको मिलनी चाहिए, साथ में तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करके दो, फिर उनको भी जॉब्स हो, भाई वो भी उसी कंट्री का पार्ट है, उनको भी जॉब्स चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और सिचुएशन क्रिएट हुई थी किसकी, सिविल वॉर की। किसकी सिचुएशन क्रिएट हुई थी वहां पे, सिविल वॉर की सिचुएशन जो है वहां पे क्रिएट हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका, डैश हैज स्टार्टेड पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट एलम इन श्रीलंका। किसने डिमांड की थी, तमिल्स ने, तमिल्स ने ये डिमांड की थी कि उनको रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, उनको जो है तमिल एलम चाहिए, मीन्स अलग से जो है उनकी अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। ओके, तमिल्स ने, सिन्हाला के पास तो सब कुछ ही था। रीजन एंड अजर्शन के जो क्वेश्चंस हैं अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अजर्शन दी गई है, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग अच्छी है, क्योंकि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पावर को सही तरीके से शेयर किया जाए। ओके, वो एक एसेंशियल एलिमेंट है डेमोक्रेसी का, राइट। अब पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, अच्छी है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं सोशल ग्रुप्स में, पीस मेंटेन रहता है, पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहता है, सारा जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी से चलता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनमें सही तरीके से पावर को शेयर किया जाता है, राइट। तो अगर हम देखें दोनों ही, अजर्शन एंड रीजन जो है बिल्कुल सही है, अजर्शन इफ, यस, If both assertion A and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A, तो option number A is the right answer, right? Next question, question number 19 है हमारा, assertion A जो है हमें क्या कह रही है, horizontal distribution of power allows different organs of the government placed at same level and exercise different power. जो horizontal distribution of power है वो हमें क्या करता है कि सारे जो है हमारे जो तीनों organ है वो same level पे, ये तो हाँ बिल्कुल सही है कि हमारे जो तीनों हैं organs है, कौन कौन से, legislature, executive and judiciary, तीनों same level पर, लेकिन जो powers हैं वो different different exercise करते हैं। द सेपरेशन इंश्योर दैट डिफरेंट ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये जो सेपरेशन है ये बताता है कि जो ये डिफरेंट ऑर्गन से गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड पावर से ये तीनों एक दूसरे को इवन चेक भी कर सकते हैं, इसीलिए इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है, राइट। तो हमारा assertion A तो true है, but reason R is false. Option number C is the right answer. Next question है आपका, श्रीलंका emerged as an independent country in 1949. श्रीलंका जो है 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ। देखिए याद रखिएगा, हम 1947 में होते, हमारे एक साल बाद श्रीलंका हुआ था, तो यहाँ पे 1948, ठीक है, और कंफ्यूज नहीं करना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो इनका आया था वो कब आया था, 1956 में, राइट। रीजन आर जो क्या दिया है, द लीडर्स ऑफ तमिल कम्युनिटी, ओके, सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। क्या तमिल्स जो है वो डोमिनेट कर रहे थे गवर्नमेंट को, नहीं, कौन कर रहे थे, सिन्हाला कर रहे थे, तो दोनों ही गलत है, ये तो सिन्हाला कम्युनिटी कर रही थी डोमिनेट तो अपनी मेजॉरिटी के बेसिस पे, राइट। तो बोथ अजर्शन ए एंड द रीजन आर फॉल्स, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है, राइट। इस तरीके से आपके जो 20 एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट होते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़े होंगे, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गए होंगे, किसी को कोई डाउट हो तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, राइट। With this end of today's session, आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर, YouTube पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, YouTube,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, हम डील करते हैं CBSE, दिल्ली, बिहार, UP, MP एंड राजस्थान बोर्ड के साथ। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हमारे यहाँ पर होती है, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी हमारे यहाँ पर होता है। हम डील करते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के साथ। विद दिस एंड ऑफ टुडेज सेशन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।